शैलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। आपने समय निकाला और आज हम क्लियरली टाटा डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, लेकिन मैं फंड के बारे में आपसे बारीकी पर सवाल पूछूं उससे पहले जानना है कि डिविडेंड यील्डिंग फंड्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। इसको लेकर थोड़ी जागरूकता कम है लोगों में, हालांकि निवेश को लेकर दिलचस्पी दिखाई दे रही है निवेशकों की तरफ से, बट ये किस तरह के फंड्स होते हैं? सो डिविडेंड यील्ड अगर आप समझोगे तो डिविडेंड यील्ड होता क्या है, डिविडेंड यील्ड इज बेसिकली नथिंग बट कंपनी कितना डिविडेंड देती है इन विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस। सो बेसिकली इट इज डिविडेंड डिवाइडेड बाय द प्राइस, जो रेशियो निकलता है उसको डिविडेंड यील्ड कहते हैं। कंपनी जो भी डिविडेंड यील्ड फंड होती है, जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर जो होती है, वो इन्हीं स्टॉक में इन्वेस्ट करती है जो डिविडेंड देती है, विद द ऑब्जेक्टिव कि यहाँ डिविडेंड मिलेगा और स्टॉक्स में एप्रिसिएशन होगा। सो ये सेबी गाइडलाइन कहता है कि एनी फंड जिसको भी डिविडेंड यील्ड में क्वालिफाई होना है, उनका 65% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड इन्वेस्टमेंट इन डिविडेंड यील्ड फंड्स, इन डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में जाना चाहिए। तो ये होता है डिविडेंड यील्ड फंड। दे आर जनरली इक्विटी फंड्स जिनका टैक्सेशन होता है शॉर्ट टर्म में 15% और लॉन्ग टर्म में 15%। शॉर्ट टर्म डिफाइन होता है इन्वेस्टमेंट जो एक साल के नीचे होता है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट एक साल के ऊपर होता है उन्हें लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो अगर आप सम अप करोगे तो डिविडेंड यील्ड फंड्स जो होती है उनका इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक्स जहां डिविडेंड होता है और जहां कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावना होती है। चलिए, तो कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावना आपको फिलहाल के बाजार में कहां कहां दिखाई दे रही है? आपने जो फंड अपना डिजाइन किया है उसको लेकर शैलेश आपने क्या रणनीति अपनाई है इसके बारे में बताएं। सो अगर आप मेरा फंड देखोगे तो मेरे फंड का जो इन्वेस्टमेंट है अभी वो अक्रॉस इंडस्ट्री मार्केट कैप में है एंड क्रॉस सेक्टर है, विच मीन्स कि मेरा फंड नाइदर एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर में है ना स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है। एट द मोमेंट 80-85% ऑफ द स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट किया वो हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में है, स्प्रेड अक्रॉस 12-14 सेक्टर्स, मतलब 12-14 सेक्टर में मेरा इन्वेस्टमेंट है। रही बात कौन से सेक्टर में सेक्टर में मैंने पैसा डाला हुआ है, मेरे को बैंकिंग, आईटी, केमिकल सेक्टर्स मेरे को अच्छे लगते हैं जिसमें मैंने पैसा डाला हुआ है, जहां मेरे को लगता है कैपिटल एप्रिसिएशन की बहुत पॉसिबिलिटी है और जहां डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है। तो ये है मेरा इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्सेंसस स्टॉक्स में भी डाला हुआ, जहां मुझको लगता है कि स्टॉक्स जो टेम्पररी आउट ऑफ फेवर हुए, जो स्टेबल स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो स्लाइटली आउट ऑफ फेवर हुई है, एंड जहां मुझको लगता है कि री रेटिंग टर्न अराउंड स्टोरी है, तो वहां जहां मेरा अल्फा जनरेशन हो सकता है। सो टू सम अप, बेसिकली मेरा इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर्स है, अक्रॉस स्टॉक्स, अक्रॉस सेक्टर्स है, अक्रॉस मार्केट कैप है, जहां हाई डिविडेंड आने की संभावना है और जहां मेरे को लगता है कैपिटल एप्रिशिएट होने वाला है। लेकिन जिस तरह की अनिश्चितता हमारे बाजारों में फिलहाल फैली हुई है शैलेश, क्या इस तरह के माहौल में बहुत जरूरी नहीं है कि आप कंपनियों पर थोड़ा बारीकी से नजर रखें? जो तिमाही नतीजे आए हैं वो कम से कम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले तिमाहियों में भी हम कुछ खास नतीजे आते हुए नहीं दिखाई देंगे। अब ओवरऑल जब हम इतनी अनिश्चितता देख रहे हैं चारों ओर, तो ऐसे कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो आपने लिस्ट आउट कर रखे हैं कि अगर ये रेड फ्लैग किसी कंपनी में दिखाई देता है, किसी सेक्टर की कंपनी में दिखाई देता है, तो शायद इसको पोर्टफोलियो से बाहर निकालना पड़ेगा? सो अगर आप देखोगे तो निफ्टी एक्चुअली काफी फेयरली वैल्यूड है। Q3 वॉज एक्चुअली अ मिक्स्ड बैग। Q3 अगर आप देखोगे तो मिक्स्ड बैग था। Q4 जो नेक्स्ट क्वार्टर है, जो हमारा जो एनालिसिस है उसमें ये कहता है कि मे बी देयर कैन बी सम, जहां कंपनीज को थोड़ा मार्जिन एक्सपांशन मिल सकता है एज कमोडिटीज आप देखोगे तो थोड़ा स्लो, कमोडिटीज अब कूल ऑफ हुए। हैविंग सेड दैट, बहुत सारे सेक्टर है जहां लॉट ऑफ पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है जिनमें अगर आप बॉटम पिकिंग करोगे तो काफी कैपिटल एप्रिसिएशन की संभावना है, जैसे बैंकिंग है, आप आईटी देखोगे तो इसमें है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आप देखोगे तो टू बिग फैक्टर्स जो मुझे लगते हैं जो रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, वो एक इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो शायद रेट कट जो रेट हाइक जो हो रही है वो एक्चुअली चलती रहेगी। सेकेंड इज दैट रेंज, अगर थोड़ा भी इरेटिक रेन होता है, जैसे हम देख रहे हैं लास्ट 3 साल से रेंज हैव बीन वेरी गुड, और अगर ये साल अगर रेंज सही नहीं है, जो भी रिपोर्ट अभी तक इनिशियल रिपोर्ट जो आ रही है उसमें कह रहे हैं कि शायद रेन कैन बी इरेटिक, दैट कैन बिकम अ बिग चैलेंज फॉर फूड ग्रेन प्राइसेस, तो मे बी वो एक इन्फ्लेशन फिर स्पाइक कर सकता है। तो आई थिंक ये दो चैलेंज मुझे लग रही है, बट फिर इनके अलावा भी व्हाट आई सेड वाज जो भी सेक्टर में हमने इन्वेस्टमेंट किए एज पर आर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, उसमें काफी काफी अपॉर्चुनिटीज है इफ ऑन द बॉटम अप पिकिंग स्टॉक्स में।
चलिए सर, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, कॉन्ट्रा रणनीति के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो आपने पोर्टफोलियो में क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई है? हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स का तो आपने जिक्र कर दिया है, आपने कुछ सेक्टर्स का भी जिक्र किया है, लेकिन ये जो दो और रणनीतियाँ हैं जो अपनाते हैं आप अपने फंड में, उनको लेकर जरा बारीकी से हमको समझाइश दें। सो कॉन्ट्रा टू कॉन्सेंसिस मतलब ये नहीं है कि हम एकदम डीप वैल्यू स्टॉक बाय करते हैं। बहुत सारी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनीज होती है जो टेम्पररी फेज से जा रही होती है, जहां उनका प्रोडक्ट थोड़ा फेल हो गया हो या उनका मैनेजमेंट में कोई चेंज हो गया, कोई टॉप सीईओ ने छोड़ दिया हो, सो टिपिकली उनमें थोड़ा प्राइस करेक्शन हो जाता है। सो दीज आर द कंपनीज वेयर जब भी हमको लगता है कि उनका प्रोडक्ट स्टेबल हो गया या उनका मैनेजमेंट चेंज हो गया है तो ये, या उनका कैश फ्लोज इंप्रूव हो रहा है, तो ये कंपनीज होती है कॉन्ट्रा टू कॉन्सेंसिस के पोर्टफोलियो में आती है और इनको हम लेते हैं। हम उसी टाइम होल्ड करते हैं जब हमको लगता है कि ये कॉन्ट्रा है और उसको एग्जिट करेंगे जब ये कॉन्सेंसिस बाय होता है। बहुत सारी कंपनीज में रीवैल्यूएशन हुई है सम पॉइंट इन टाइम, अगर आप देखोगे तो बैंकिंग स्टॉक्स भी एक्चुअली कॉन्ट्रा टू कॉन्सेंसिस हो गए थे, पीएसयू नेम्स, अगर आपका अगर स्टिक टू नेम वन फ्यू सेक्टर वैसे थे। सो दीज आर द स्टॉक्स जो होंगे जो हमारे कॉन्ट्रा टू कॉन्सेंसिस में आते हैं। हम रीआइट्रेट करते हैं, हम ना डीप वैल्यू नहीं लेते हैं, जैसे कि जो जो लोगों को लगता है कि ये बस ये टाइम आ गया है लेने का, बट ऐसा नहीं है। बट कंपनी जो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है वो हमारे पोर्टफोलियो में आती है कॉन्ट्रा टू कॉन्सेंसिस। जो आपने डाइवर्सिफिकेशन बात की हुई है, तो अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप से ज्यादा सेक्टर अगर आप देखोगे तो मिड कैप में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली अभी करंट थीम में चल रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप अलॉन्ग विद अगर आप लार्ज कैप करोगे तो हमें काफी डाइवर्सिफिकेशन मिलता है और काफी सेक्टर्स मिलते हैं प्ले आउट करने के लिए। ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप्स को आप किस तरह वैल्यू देखते हैं फिलहाल मौजूदा लेवल्स पर? सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, जहां बहुत सारे सेक्टर है, जहां बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और हम एक हर एक सेक्टर हर एक स्टॉक को उसी अपने हमारे एक इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट थीसिस है, उसके थ्रू एनालाइज करते हैं। अगर वो हमारे एनालिसिस में या हमारे प्रोसेस में, फिल्टर प्रोसेस में अगर वो क्वालिफाई होता है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो सेक्टर्स है, बहुत सारे सेक्टर्स है। अगर आप बॉटम पिक सो टॉप डाउन करने के बाद अगर आप स्टॉक पिकिंग करोगे तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगेन हैविंग सेड दैट दे आर नॉट इन द यूफोरिया, कोई भी मिड कैप स्टॉक देखोगे तो एक्चुअली यूफोरिया में नहीं है जो 2018 के टाइप का यूफोरिया है, अभी काफी फेयरली वैल्यूड है। मैं ये नहीं बोलता कि सभी स्टॉक एक्सपेंसिव है चीप है, बट एटलीस्ट जो हम स्टॉक देखते हैं या हम जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू आर प्रोसेसेस वी लुक इनटू इट कि क्या वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं और अभी किस लेवल पे है, अब उनके लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज से या उसमें कितनी पोटेंशियल है यहाँ से ग्रो करने में। चलिए, टोटल रिटर्न अगर किसी को इस पोर्टफोलियो में या इस तरह के फंड में देखना हो तो किस तरह से टोटल रिटर्न का एक बाइसिफिकेशन होता है? डिविडेंड के लिहाज से, कैपिटल गेन्स, क्या अभी भी मेन रिटर्न फैक्टर हम कह सकते हैं इस फंड के होते हैं? तो यू आर राइट, एक्चुअली कैपिटल एप्रिसिएशन ही मेजर फैक्टर होता है रिटर्न का अलॉन्ग विद डिविडेंड। सो रफली 15 to 20% ऑफ द रिटर्न आप देखोगे तो डिविडेंड से आता है, रेस्ट ऑफ द मनी कैन एक्चुअली बी जनरेटेड अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन देखोगे। बट इन अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचो या अगर आप इन डीप में सोचो तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता कैसे है? कोई भी कंपनी जो स्टेबल होती है, जिनका प्रोडक्ट एक्चुअली वेल एक्सेप्टेड होता है, जिनकी मैनेजमेंट स्टेबल होती है, जिनका कैश फ्लो जनरेशन होता है, जो प्रॉफिट जनरेट करती है, वही कंपनी एक्चुअली जिनमें कैपिटल एप्रिसिएशन होता है या कंपाउंडर्स होता है। वही कंपनी अगर आप देखोगे जो प्रॉफिट जनरेट करती है और कैश फ्लो उनका डिविडेंड बढ़ते रहता है। सो इन अ नटशेल अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग स्टेबल कंपनीज जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होती है, जो हाई डिविडेंड देती है, जिनमें डिविडेंड ग्रो होता है, वो एक्चुअल कंपनीज है जिनमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। सो अगर आप सो यू नीड टू चेक, यू नीड टू ऐड बोथ एज अ कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड फॉर योर टोटल रिटर्न एनालिसिस। यहाँ पर रिस्क फैक्टर थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों के लिहाज से समझाएं कि इस तरह के फंड में अगर किसी को रिस्क फैक्टर अपना एनालाइज करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं, आपकी जोखिम उठाने की क्षमता क्या होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर, और साथ ही फंड में किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व्ड है? सो एनी इन्वेस्टमेंट ओके इनटू एन इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी वोलेटिलिटी कमिंग इनटू इट। सो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 to 5 years होना चाहिए। नाउ डिफरेंस क्या है ये डिविडेंड यील्ड फंड में? डिविडेंड यील्ड फंड में अगर आप देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में करता है जहां डिविडेंड पे होता है और जो काफी स्टेबल होती है, स्टेबिलिटी का डिविडेंड और जिनका वैल्यूएशन रीजनेबल होता है। ये कंपनी स्टेबल होती है, जिनका कैश फ्लो जनरेशन कैपेबिलिटी होता है, जिनका प्रॉफिट जनरेशन कैपेबिलिटी होता है। सो ये इन्वेस्टर जिनको इन्वेस्ट करना है, ये थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को एक डिफरेंशिएटेड एज देता है फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए और आपका ये होना चाहिए कि आपको ये दो साइड से बेनिफिट देगा, एक आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देगा प्लस आपको डिविडेंड देगा ये फंड। मौजूदा आपके फंड का टर्नओवर किस तरह से है?
सो फंड का टर्नओवर स्लाइटली हायर होगा ऑन द हायर साइड, रीजन दैट कि मैंने बहुत सारे सेक्टर्स भी हैड टू मूव आउट फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर, बट फॉर ऑल फॉर अगर आगे से अगर आप आगे अगर देखोगे तो ये उतना ही टर्नओवर ये होगा जितना बाकी सब डाइवर्सिफाइड फंड्स में होता है। अगर किसी निवेशक को इसमें निवेश करना भी हो तो अपने पोर्टफोलियो के किस स्टेज पर आके इस फंड को पोर्टफोलियो में इंट्रोड्यूस करना चाहिए? एक 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 कोर पोर्टफोलियो तो आपका होना ही चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के फंड को अगर शामिल करना हो तो इसको एक तो सबसे पहले किस तरह से अपने गोल्स के साथ अलाइन करें, और दूसरा प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? राइट राइट, सो ये फंड अगर आप देखोगे तो दे आर स्लाइटली मोर रिस्कियर देन योर हाइब्रिड फंड। अगर ये हाइब्रिड फंड से थोड़े ऊपर जाते हैं, बट दे आर इवन लोअर इन टर्म्स ऑफ रिस्क फ्रॉम द डाइवर्सिफाइड फंड। रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि इसमें इन्वेस्टमेंट उसी कंपनी में होता है जो डिविडेंड दे रही है, और डिविडेंड देने वाली कंपनी इन जनरली थोड़ी स्टेबल कंपनी होती है, थोड़ी मेच्योर्ड कंपनीज होती है जिनका प्रोडक्ट एक्सेप्टेड होता है, जिनका मैनेजमेंट स्टेबल होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बेट ले रहे थे जहां ग्रोथ कंपनीज होगी, सिग्निफिकेंट ग्रोथ कंपनीज होगी, जहां एक प्रोडक्ट फेल होने से कंपनी इटसेल्फ फेल हो जाती है। ये काफी स्टेबल प्रूवन कंपनीज होती है। सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी मेरे हिसाब से दे इन्वेस्ट इनटू सिग्निफिकेंटली हायर क्वालिटी कंपनीज जहां स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब पैरामाउंट होती है। तो मेरे हिसाब से ये फंड एक्चुअली आपके इंडिविजुअली हर प्रोडक्ट या हर पोर्टफोलियो में होना चाहिए, थोड़ा सा हाइब्रिड के ऊपर बट डाइवर्सिफाइड के नीचे। और अगर आप देखोगे तो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर रिटायरमेंट प्लानिंग एज वेल। अगर आप घर से प्लानिंग करो तो बिकॉज ये कंपनी या और ये पोर्टफोलियो कंपाउंडर टाइप ऑफ पोर्टफोलियो होता है, इट विल हेल्प यू इन योर रिटायरमेंट प्लानिंग एज वेल। फिलहाल अगर मैं बाजार की स्थिति पर बात करना चाहूँ आपसे, तो ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, हमारे बाजारों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। अब पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा कि FIIs की खरीदारी जो है वो जमकर सामने आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बुनियादी सवाल अभी भी यही है कि जो ब्याज दरें अब बढ़ेंगी खासतौर से US की तरफ से, वो कितनी बढ़ेंगी काफ़ी कुछ डेटा डिपेंडेंट है। आपकी सेंस क्या कह रही है, आपकी समझ क्या कह रही है बाजार को लेकर? सो यू आर राइट एक्चुअली। सो दिस जो अभी यही कंसर्न बैंकों भी है कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ से रेट बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। बट मेरा ये अनुमान है कि आई थिंक एज जितना लोगों को फियर था हार्ड लैंडिंग US का, आई थिंक वो दिख नहीं रहा है। एटलीस्ट डेटा तो यही बता रहा है कि देयर कैन नॉट बी एन हार्ड लैंडिंग। रेट हाइक हो सकता है अनदर क्वार्टर बेसिस पॉइंट फ्रॉम हियर ऑन देयर, बट आई थिंक अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ डिस्काउंटेड है ये मार्केट में। ओनली वरी फॉर मी इज अदर एज आई सेड इन्फ्लेशन, और सेकेंड इज रेन। अगर रेन इराटिक होता है तो थोड़ा वरी हो जाएगा मार्केट के लिए, बट आई थिंक मोर और लेस एज ऑफ नाउ द इन्फ्लेशन पार्ट इज व्हाट इज वरिंग। बट आई थिंक देर आर स्टिल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट इन एंड अराउंड दोज फियर। अगर हम डिविडेंड यील्ड फंड को रिटायरमेंट के लिहाज से जोड़ना चाहें या इसको लाइनअप करना चाहें, तो रणनीति क्या ठीक बैठेगी इनमें से कमाई निकालने के लिए? सो यस, एज आई सेड दैट कोई भी फंड को अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना है तो यू विल नीड टू डू विड्रॉल, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान अराउंड इट, एंड विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर विच दे विल प्लान अराउंड योर रिक्वायरमेंट अराउंड योर फंड। सो आई थिंक दिस नीड्स ये जो है इसको आपको थोड़ा मे बी विल हैव टू डिस्कस with your financial advisor more to plan it out. But as I said, ये fund आप use कर सकते हो dividend retirement plan के लिए, because ये जो fund का structure है इसमें काफी compounders होते हैं जो consistently grow करते हैं, जो consistently dividend देते हैं, और जिनमें capital appreciation की काफी संभावना होती है। All right, Salif, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस बेहद खास चर्चा के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for having me. चलिए, तो यहाँ पर हमने समझा कि क्या होते हैं डिविडेंड यील्ड फंड्स और किस तरह से इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्ट करती है और कैसे इनको अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना भी चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। और